नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज आप देख रहे हैं डॉक्टर स्टॉक और हम बात करेंगे कि भारत में ऑस्टियोआर्थराइटिस गठिया का सबसे प्रचलित रूप है और आपको बता दें कि यह हर साल तकरीबन 15 मिलियन वयस्कों को प्रभावित करता है और आंकड़ों की अगर माने तो 2025 तक देश में 60 मिलियन से ज़्यादा लोग इससे ग्रसित हो सकते हैं और ये समस्या पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है और ये भी देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ ये समस्या और भी ज़्यादा प्रभावित करती है। एक स्टडी से पता चला है कि भारत में तकरीबन अगर 65 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं की बात करें तो करीब 45% महिलाएँ ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित नज़र आती हैं और 65 साल से अधिक की तकरीबन 70% लोग इसके रेडियोलॉजिकल प्रमाण भी उसके उसमें पाए गए हैं। तो सवाल जवाब के सिलसिले को अब शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर निशिकांत कुमार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले अगर हमारा सवाल होता है कि आखिर जी बिहार झारखंड के दर्शक हैं और आम लोग हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया अपनी जानकारियां कुछ लोगों से, अपनी आम जनता से शेयर करने के लिए। तो जी बिहार झारखंड का एक बहुत ही अनोखा पहल है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस तो एक तरह का गठिया, तो गठिया बेसिकली दो तरह का होता है, एक जो जन्म से आपके साथ होती है, एक जो बढ़ती उम्र के कारण होती है। जी। तो जो जन्म से गठिया होता है उसको हम लोग इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस कहते हैं, जिसको कि नॉर्मल बोलचाल की भाषा में रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोली जाती है। वो आपको जन्म से होता है लेकिन उसका असर आने में 15-20 साल का वक्त लग जाता है। दूसरी जो समस्या होती है जो कि उम्र के बढ़ने के कारण होती है, उसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो डीजेनरेटिव, मतलब कि एज के बढ़ने के कारण होती है, इसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। बिल्कुल। तो आप जो बता रहे हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो दोनों के बीच क्या अंतर है, क्या फर्क है? वही मैंने बताया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होती है वो एक तरह का इंफ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, मतलब कि वो आपकी खून में गठिया होती है, वो आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स के थ्रू मिलती है। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है वो कोई जेनेटिक बीमारी नहीं होती है, वो उम्र के बढ़ने के कारण, वजन के बढ़ने के कारण आपकी जोड़ों पर जो एक्स्ट्रा लोड पड़ता है इसके कारण वो गठिया होता है। तो गठिया बेसिकली किसी भी ज्वाइंट में सूजन आना, ज्वाइंट्स की डिफॉर्मिटीज को होना, इसको आर्थराइटिस कहते हैं, इसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में गठिया बोलते हैं। उसके दो वेरिएंट हो गए, एक तो हो गया रूमेटॉइड जो कि आपकी खून में होती है, जो कि जेनेटिक होती है। बिल्कुल। और आजकल अगर रहन सहन में जिस तरीके का बदलाव हुआ है, लाइफ स्टाइल जिस तरीके से बदल रही है, तो हमने देखा है कि ये समस्या और भी ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में पहचाने कैसे, इसके लक्षण क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस के? ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि ये जो समस्या से बताया, ऑस्टियोआर्थराइटिस एज के कारण होती है, तो होना चाहिए बुढ़ापे में, लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या आज हमारे साथ है कि ये आज 30 साल 35 साल 40 साल के लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए हम खुद और हमारी जो जीवन शैली है ये जिम्मेवार है। तो अर्बन लाइफस्टाइल, हम अपने आप को इतना कॉन्फाइन कर लिए हैं एसी कमरे में, एसी चैम्बर्स में, एसी कार्स में, कि हमें बाहर अपने आप एक्सपोज करने का मौका नहीं मिल पाता है, हमें अपने लिए वक्त है ही नहीं, अपने काम में इतने उलझे हुए हैं कि हमें अपने अपने जॉइंट्स का ख्याल रखने के लिए वक्त नहीं मिल पाता है। तो हमारी जो लाइफस्टाइल है इज अ फैक्टर फॉर दिस। सेकेंड फैक्टर होती है जो अर्ली स्टेज में हो रही है उसका होता है वेट। अगर आपका वजन 1 kg बढ़ता है तो आपके घुटने पर जो लोड पड़ रहा होता है वो लगभग 5 kg तक बढ़ सकता है। समझिए, अगर आप 10 kg का एक्स्ट्रा वेट है आपके पास तो आपके घुटने पर 50 kg का एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा होता है। तो जो डीजनरेशन आपको 20 साल बाद होनी चाहिए अभी हो जाएगी। आपकी वजन का बढ़ना, आपकी ओन लाइफस्टाइल, विटामिन डी वगैरह की कमी, ये चीजें, लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइजेस और एज तो फैक्टर उसके लिए है ही, ये सब कारण मिलकर हमारी जो यंगर जनरेशन को इसके लिए बहुत ही प्रोन बना रहा है। बिल्कुल। जो सवाल मैंने आपसे किया था इसको थोड़ा हम और स्पेसिफिक अगर करें डॉक्टर साहब, ये जो घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये हमारा एक नेचुरल नी जॉइंट होता है। अगर आप देखें तो इसके चारों तरफ एक कार्टिलेज की लेयर होती है, चिकनाई की परत होती है। तो एज बढ़ने के कारण आपको जो बहुत सारी बीमारियों के कारण धीरे धीरे क्या होती है इसमें इस तरह के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, मतलब कार्टिलेज का लॉस आना शुरू हो जाता है। तो जहां तक लक्षण की बात है, सबसे पहला जो लक्षण होता है आपके घुटनों में दर्द का होना। दर्द कहां? घुटने का नॉर्मली 3 पार्ट होता है, एक एंटीरियर पार्ट, एक अंदर वाला पार्ट उसको मिडिल पार्ट कहते हैं, एक बाहर वाले पार्ट को लैटरल पार्ट कहते हैं। तो सबसे पहले लक्षण जो होते हैं वो दर्द एंटीरियर पार्ट में,
मतलब कि आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने में परेशानी होगी, कुर्सी पे बैठकर उठेंगे तब परेशानी होनी शुरू होती है, धीरे धीरे ये आपके ज्वाइंट के अंदर वाले पार्ट में एक पेन करना शुरू शुरू करता है, जो कहते हैं मिडिल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। धीरे धीरे ये आपके ज्वाइंट के चारों तरफ पेन प्रोड्यूस करने लगता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिम्टम इज पेन, पेन टू द डिफरेंट कंपार्टमेंट ऑफ द ज्वाइंट। उसके बाद स्टिफनेस, अकड़न आना, मॉर्निंग में सोकर उठते हैं जोड़ों में लगे कि अकड़न हो रही है, जोड़ पूरा खुल नहीं रहा है, जोड़ों का जाम होना। धीरे धीरे ये और क्या प्रोड्यूस करता है, पैरों में डिफॉर्मिटीज, मतलब कि पैरों में जो शेप होती है, नॉर्मली नी जॉइंट स्ट्रेट रहती है, कुछ दिनों के बाद आगे बीमारी बढ़ने के बाद घुटना बेंड हो जाता है। आप देखते होंगे बहुत कॉमन लोगों का घुटना बेंड हो जाता है। अगर कभी ये अंदर मुड़ता है हम लोग कहते हैं इसको वेरस डिफॉर्मिटीज कहते हैं, ये अगर बाहर मुड़ता है उसको कहते हैं वेलगस डिफॉर्मिटीज, और घुटना इस प्लेन में भी मुड़ जाता है जिसको कहते हैं फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज। तो पेन, डिफॉर्मिटीज एंड स्टिफनेस, दीज आर द अर्ली सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब मरीज आपके पास पहुंचते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो भी पेशेंट आपके पास आते हैं उसका इलाज या उसका डायग्नोसिस आप करते कैसे हैं? देखिए, डायग्नोसिस सबसे पहला चीज होता है सिम्टम से। जो पेशेंट आते हैं वो खुद बताते हैं कि हाँ मुझे घुटने में दर्द हो रही है। तो घुटने में दर्द बहुत सारे कारण से हो सकती है, कभी चोट के कारण हो सकती है, या नॉर्मल डिजनरेशन हो रही है उसके कारण हो सकती है, या जो खून में गठिया है उसके कारण हो सकती है। तो सबसे पहला इसमें पेशेंट से आपको हिस्ट्री लेनी होती है कि ये दर्द कितने दिनों से हो रही है, कोई चोट लगी है कि नहीं लगी है। अगर बहुत दिनों से धीरे धीरे करके पेन बढ़ रही है तो मोस्टली ये ट्रॉमेटिक नहीं होती है, ये डिजनरेशन के साइंस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट के सिम्टम्स से गौर करते हैं कि पेन घुटने में कितने दिनों से हो रही है, फिर डिफॉर्मिटीज देखते हैं कि पैर किस शेप में है, उड़ा हुआ है कि नहीं है, ये चीज देखते हैं। फिर हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करते हैं, जैसे कि मोस्टली एक्सरे। एक्सरे में एक बार बताना चाहूंगा, जो एक्सरे होनी चाहिए ये घुटने का स्टैंडिंग एक्सरे होना चाहिए, क्योंकि घुटने की जो स्पेस होती है, दो ज्वाइंट के बीच में जो स्पेस होती है, ये तभी मालूम चल पाएगी जब आप एक स्टैंडिंग एक्सरे करवाएंगे, मतलब कि खड़े होकर एक्सरे करवाएंगे, तभी ज्वाइंट के बीच में जो रियल स्पेस कितनी बची हुई है ये मालूम चल पाएगा। अगर स्पेस खत्म हो रही होती है इसका मतलब कि ऑस्टियोआर्थराइटिस आगे बढ़ रहा होता है। बिल्कुल, और अगला सवाल अगर इसी को हम आगे बढ़ाते हैं तो डॉक्टर साहब, वो कौन से कारण हैं जिससे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का जोखिम बढ़ जाता है, कौन सी वजहें हैं वो? तो जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया आपको, एक तो एज, एज तो हर किसी का बढ़ता है, लेकिन जोखिम ज्यादा जो आप सवाल स्पेसिफिक पूछ रहे हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेट, वजन का बढ़ना। आपका जितना वजन बढ़ता है उतना घुटना और खराब होने के चांसेस बढ़ते रहते हैं। कभी कभी ऑर्थराइटिस नॉर्मली होती रहती है, अगर चोट लग जाती है बीच में, ज्वाइंट जो लिगामेंट्स होते हैं वो भी टूट जाते हैं, तो ये सब चीजों को एग्रीवेट कर देती है। तो इवन एक ट्रिवियल ट्रॉमा, एक चोट लगना, वजन का बढ़ना, आपकी लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइजेस, ये सब चीजें इसको और एग्रीवेट कर सकता है। मैं एक बात जोर स्ट्रेस देकर कहना चाहूंगा कि इसमें फीमेल्स में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है उसका कारण है पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब कि आपका एक तो घुटने में खराबी है ही, दूसरी बात मेनोपॉज के बाद फीमेल्स में जो उनकी हड्डियों की स्ट्रेंथ वीक होती है, इसके कारण आपके घुटने पर असर सबसे ज्यादा पड़ता है। मतलब घुटने में गठिया है प्लस आपकी हड्डी की ताकत भी कम रही है, तो उसके कारण क्या होता है कि खड़े खड़े चलते चलते ही आपकी घुटने के नीचे वाली जो हड्डी है वो टूट जाती है। हम लोग कहते हैं इसको स्ट्रेस फ्रैक्चर्स कहते हैं। तो वो सबसे लीथल कॉम्बिनेशन होती है, एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस विथ ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि बहुत ही कॉमन है फीमेल्स में। इसीलिए जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि फीमेल्स में ये बहुत ज्यादा कॉमनली पाया जा रहा है हमारे इंडिया में, कारण है ये चीजें, एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस विथ पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। बिल्कुल, और अब असली सवाल करते हैं डॉक्टर साहब, अब मुद्दे पे हम लोग आते हैं कि जो घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसको सही करने का तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहले तो सही करने का तरीका, इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो प्रिवेंशन, कैसे इसको रोक सकते हैं, ऐसा क्या क्या करें हम लोग कि ये हो ही ना, ये आगे ना बढ़ पाए, जानकारी ये हमें मैसेज देना चाहिए अपनी जनता को। इसको सबसे पहले प्रिवेंशन करने का तरीका है वेट रिडक्शन। आपको अपनी वजन को संतुलित और नियमित रखना पड़ेगा, वजन को बढ़ने नहीं देना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, कोई मेडिसिन नहीं आती उसके लिए, उसके लिए आपको भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा वजन को नियंत्रित करने के लिए। जितने भी कैलोरीज खाएं उससे ज्यादा आप बर्न करें, तभी आपकी जो बॉडी में जो डिपोजिशन हो रही होती है फैट की वो नहीं हो पाएगी। तो वजन को नियंत्रित रखें, प्रॉपर एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज में भी कौन, क्वाड्रिसेप्स, आपके घुटने के ऊपर जो मसल्स होती है उसको क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, तो क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें ताकि आपके घुटने पर जो लोड पड़ रहा होता है वो ना पड़े। एक बात और, एक कुछ प्रॉपर एज के बाद, सर्टेन एज ग्रुप के बाद, मोस्टली लाइकली आपके 50 इयर्स के बाद, कुछ प्रॉपर पोस्चर्स,
जैसे कि जमीन पे आलती पालती मारकर बैठना, जो नीचे बैठते हैं उस पोस्चर से बचने की जरूरत है, ताकि आपकी नी ज्वाइंट पे जो एक्यूट स्ट्रेस पड़ती है प्रॉपर एक्सरसाइजेस करें और नीचे ज्यादा जमीन पर ना बैठें। एक और इंपॉर्टेंट है वो है विटामिन डी। विटामिन डी का प्रॉपर सेवन करें, एक फिक्स रूल पे हर किसी को डिस्पाइट एज ग्रुप हर किसी को विटामिन डी का सेवन नियमित रूप से करते रहना चाहिए। तो इन सब चीजों से हम लोग इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। रही बात अगर हो गया है तो क्या करना है, अगर हो जाने के बाद नॉर्मली इसका इलाज दो तरीके से करते हैं। बिल्कुल, कंजर्वेटिव का मतलब होता है कसरत, कुछ काम करने से मनाही, और देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस, वो हम लोग मेडिकेशन से देखकर कुछ एक्सरसाइजेस से करकर इसको हम लोग रोक सकते हैं। आज के इसमें कुछ इंजेक्शंस भी आती हैं जिस कारण हम लोग इंजेक्शन डालते हैं, उसके कारण घुटना कुछ दिनों तक चलता है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा उसका फेवर नहीं करता हूँ, बिकॉज उसकी रोल बहुत ही अनसर्टेन है। मैं स्टेरॉइड के इंजेक्शन एक और बहुत कॉमन मैसेज देना चाहता हूँ, बहुत ही कॉमन हमारे पेरिफेरी में क्या होती है कि लोग स्टेरॉइड के इंजेक्शन ले लेते हैं, 100-200 रुपए इंजेक्शन मिलती है वो ले लेते हैं, उससे बिल्कुल बचे, वो आपके घुटने को और डैमेज कर सकता है। आपको इंस्टेंटेनियस तो आराम मिल जाती है, लेकिन आपके ज्वाइंट कार्टिलेजेस को वो परमानेंटली डैमेज कर देती है, इसलिए स्टेरॉइड के इंजेक्शन नहीं लेनी है। बिल्कुल, और यहीं से बिल्कुल मैं रोकना चाहूंगा डॉक्टर साहब को, यहीं से अब ये सवाल भी उठता है कि क्या सर्जरी से घुटने के आर्थराइटिस का इलाज संभव है? नहीं, बिल्कुल संभव है, उसके लिए प्रॉपर आपका स्टेजिंग होनी चाहिए, किन पेशेंट को जरूरत है ये समझने की जरूरत है। जैसा मैंने बताया कि अगर आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से फायदा नहीं हो रहा है तो बिल्कुल उसमें ऑपरेशन करने की जरूरत है। ऑपरेशन भी लोग समझते हैं कि नी रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, सिर्फ नी रिप्लेसमेंट भी ऑप्शन नहीं है उसका, देयर आर वेरियस मेथड्स। अगर आपका अर्ली स्टेज में, जैसे मैंने बताया कि ये घुटना है, अगर घुटने का सिर्फ एक ही पार्ट में डैमेज है, आपका ये पार्ट लैटरल पार्ट आपका सही है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ घुटने को एक ऑस्टोमी करकर, या हाई टिबियल ऑस्टोमी कहते हैं, उस घुटने के उस पार्ट को ऑफलोड करकर हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। ये लेकिन अर्ली स्टेज में, मतलब कि आपका एज ग्रुप 50-55 ईयर्स का एज ग्रुप है, आपके घुटने का सिर्फ एक पार्ट डैमेज है, तो हम लोग उसको HTO कहते हैं, वो कर आपके घुटने को बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं, ताकि घुटने की रिप्लेसमेंट की जरूरत आगे ना पड़े। सेकेंड ऑप्शन, अगर आपके घुटने का ऑप्शन जो बीमारी है वो तीनों कंपार्टमेंट में हो जाती है, एज भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तब हम लोग घुटने की सर्जरी, जिसको कि नी रिप्लेसमेंट नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, वो किया जाता है। मैसेज देना चाहूंगा कि लोग समझते हैं नी रिप्लेसमेंट, लो आप तो नी रिप्लेसमेंट, कुछ तो नी ट्रांसप्लांट बोलते हैं, तो ना तो नी रिप्लेस होता है ना तो नी ट्रांसप्लांट होता है। एक्चुअली इसमें क्या किया जाता है तो समझे, जैसा मैंने बताया कि घुटने के ऊपर चिकनाई की परत है, जैसे जैसे एज बढ़ी ये चिकनाई की परत कम गई, तो ऑपरेशन में क्या करते हैं, सिर्फ चिकनाई की परत को छिलकर समतल किया जाता है और उसके ऊपर इस तरह का हम लोग कैपिंग लगाते हैं, ताकि दो बोनी एंड्स एक दूसरे से टच नहीं करें। तो इसको द रियल टर्म फॉर दिस इज नी रीसर्फेसिंग कहते हैं, मतलब का जो सरफेस अनइवन हो गया है उसको छिलकर समतल करके इस तरह की कैपिंग, स्पेशल मेटालिक इम्प्लांट्स आती है जिसको लगाकर उस किया जाता है, ताकि दो नेकेड बोन्स एक दूसरे से टच नहीं करें और आपको पेन नहीं करता है, जो रियल कैंडिडेट इसके लिए होते हैं। सही हाथों से करने पर ये बिल्कुल आपको एक पेनलेस मोबाइल लाइफ देता है। बिल्कुल, देखिए कई तरह की धारणाएं हैं, कई तरह के मिथक हैं, जो जाहिर सी बात है कि आपकी बात सुनकर जरूर टूटेंगे। यहां पर एक सवाल और भी उठता है डॉक्टर साहब कि उसके लिए सही समय क्या है घुटना प्रत्यारोपण कराने के लिए? देखिए फिर आपने प्रत्यारोपण बोला, ना तो ये प्रत्यारोपण नहीं है, ये नी रीसर्फेसिंग कहते हैं, ये भी गलत धारणा है कि इसलिए सही समय है। इसके लिए कोई एज ग्रुप नहीं होती है, कोई एज इसके लिए क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिम्टम, आपको परेशानी कितनी हो रही है। अगर परेशानी आपको 20 साल की उम्र में है तो 20 साल की उम्र में करनी है, अगर परेशानी आप 90 साल में है तो 90 साल में करनी है। तो इसके लिए कोई एज इज नॉट द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया होती है सिम्टम। सिम्टम का मतलब पेन, पेन इतनी कि आपकी डेली एक्टिविटीज को हैम्पर कर रही है, अगर इतनी पेन है तो इसमें ये ऑपरेशन करना है और एक सही तरीके से किया होगा। ये बहुत कॉमन लोग समझते हैं कि करवाएंगे 10 साल बाद खत्म हो जाएगा, 15 साल बाद खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर सही तरीके से किया हुआ घुटना लगभग पूरी जिंदगी आपका साथ देता है। तो ये भी यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर टोटल नी रिप्लेसमेंट किया जाए तो इसमें कितना वक्त लगता है और ये कैसे होता है?
देखिए, ये ऐसा ऑपरेशन बिल्कुल नहीं है जिसमें कि एक भी दिन का बेड रेस्ट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज ऑपरेशन हुआ विद इन 24 आवर्स, मतलब नेक्स्ट डे आप बिल्कुल चलना फिरना शुरू करते हैं। हाँ, लगभग 2 वीक्स तक आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट लेकर चलना पड़ता है, मे बी वॉकर और स्टिक। 2 वीक के बाद आप बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ की तरह चल फिर सकते हैं, सिग्नेचर उतर सकते हैं, हर काम धाम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आपको 1 महीने का वक्त लगेगा जिसमें कि आप बिल्कुल बैक टू नॉर्मल, जैसा कि आप पहले वाली लाइफ में थे, उसमें वापस आते हैं। तो इसमें एक कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं होती है, हार्डली 50-60 मिनट्स जॉब, इसमें आप बिल्कुल एक नॉर्मल जिंदगी पा सकते हैं। तो कई सारे दर्शक जो हमें देख रहे होंगे उनके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि अगर हम सर्जरी कराएंगे तो पूरी तरीके से ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? मैंने बताया कि पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 1 महीने का वक्त आपको देना पड़ता है। जी, हॉस्पिटल पे स्टे ज्यादा नहीं होती है, हाँ, लेकिन एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वो हर किसी को करनी है, नॉट ओनली टू द पेशेंट्स, टू एवरीबॉडी। तो सब मिलाकर लगभग 1 महीने में आप बिल्कुल नॉर्मल आ जाते हैं। आज के डेट में तो देखिए, जो ऑपरेशन होती है उसमें भी हम लोग बहुत तरह के ऑपरेशन करते हैं। आजकल जो सबसे रिसेंटली हम लोग करते हैं वो हम लोग कहते हैं CRD कहते हैं, क्रूशिएट, जैसे मैंने बताया घुटने के ऊपर जो सिर्फ बोनी एंड्स को नहीं हटाकर सिर्फ कार्टेज को छिलते हैं, तो ज्वाइंट्स के बीच में जो लिगामेंट्स होती है उसको भी हम लोग नहीं हटाते हैं, हम लोग कहते हैं PTL। तो यानी कि आपको ज्वाइंट के बीच में सिर्फ चिकनाई की परत को हटाई गई, लिगामेंट्स तक को प्रिजर्व किया जाता है ताकि आपके ज्वाइंट में जो परसेप्शन होती है उसको मेंटेन रखी जाती है। तो नॉर्मली हम लोग आजकल फीमेल्स के लिए क्रूशियल रिटेनिंग नी को बहुत प्रेफर कर रहे हैं, वो हम लोग करते हैं, उसका और जल्दी रिकवरी होती है, मसल स्ट्रेंथिंग और जल्दी होती है। तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं 1 महीना, लेकिन कुछ पेशेंट्स को उससे पहले भी 15-20 डेज में ही बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में लौट जाते हैं। बिल्कुल। और एक सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि जो ये आर्टिफिशियल घुटना होता है वो कितने समय तक चलता है और इसकी आयु कितनी होती है? मैंने यही बताया ना आपको कि ये ऐसा एक तरह का मिथ है, ये ऐसा नहीं है कि ये 10 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, ऐसा नहीं होता है। सही तरीके से, सही हाथों से किया हुआ घुटना लगभग पूरी जिंदगी आपको साथ देता है। रिसेंट लिटरेचर अगर आप देखेंगे अमेरिकन एकेडमी की, तो आपको लगभग 30-35 ईयर्स तक का रिकॉर्ड है कि बिल्कुल नॉर्मल आपको साथ देता है। इसीलिए यही क्वेश्चन जो आपने पूछा था कि ये एज क्या होता है, तो अगर आप उम्र आपका 25 साल है या 30 साल है, आपका घुटना पूरी तरह डैमेज हो चुका है, तो हम आपको तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि आप अभी दर्द झेलिए, जब आप 60 के हो जाइएगा तब आपका इलाज करें। तो जिस उम्र में भी आपको दर्द है और दर्द इतनी है कि आपकी अपनी लाइफस्टाइल को हैम्पर कर रहा है, जो काम आप करना चाह रहे हैं वो नहीं करने दे रहा है, देन दैट्स द राइट ऑप्शन, द राइट टाइम फॉर यू। एक और अहम सवाल है कि क्या सर्जरी के बाद सामान्य गतिविधि की जा सकती है? एकदम की जा सकती है। ये भी एक तरह का मिथ कि घुटना का ऑपरेशन करवाएंगे तो नीचे नहीं बैठ पाएंगे, आलती पालती नहीं बैठ पाएंगे, एकदम गलत। घुटने का ऑपरेशन करने के बाद आप हर काम कर सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, दुनिया का हर काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल एक नॉर्मल नेचुरल, आपने वर्ड यूज किया था आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल नहीं होता है, इस नियर नॉर्मल, नियर नेचुरल होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब आखिरी सवाल हमारी तरफ से यह है कि जी बिहार झारखंड के दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा आपके जी नहीं, बिहार झारखंड के लोगों के लिए एक ही संदेश होगा, मोशन इज द सॉल्यूशन। तो अपने ज्वाइंट्स का खूब मोशन करें, मतलब खूब एक्सरसाइज करें, विटामिन डी का सेवन करें। अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कभी भी किसी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। विटामिन डी का सेवन करें और वजन ना बढ़ने दें। सो माई बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर निशिकांत कुमार आपका, आपने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया और जो धारणाएं, जो मिथ इस पूरे प्रोसेस को लेकर बना दिए गए हैं आम लोगों के बीच में, उन तमाम सवालों का जवाब देने की आपने कोशिश की। जी बिहार झारखंड से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।